नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। नेशनल वॉर मेमोरियल में नरेंद्र मोदी ने वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। शपथ ग्रहण के बाद सभी एनडीए सांसदों का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर डिनर। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू 12 जून को लेंगे सीएम पद की शपथ, नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे। दिल्ली के ट्रैफिक में फंसी बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू की गाड़ी, दौड़ते हुए पहुंचे पीएम आवास। ओडिशा में वीके पांडियन ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास, बीजेडी की हार के लिए जिम्मेदारी। कैबिनेट मंत्री पद को लेकर एनसीपी में घमासान, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के बीच मतभेद। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे आप और कांग्रेस। वोटर्स को धन्यवाद कहने 12 जून को वायनाड जाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी और सोनिया 11 जून को जाएंगे रायबरेली। हरियाणा के सोहना में बीटेक के छात्र ने बिल्डिंग से कूद कर की आत्महत्या। राजस्थान के सीकर में देर रात लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.9 रही तीव्रता। पुणे में देर रात भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, सड़क यातायात बाधित। मौसम विभाग ने बताया पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 5 दिनों तक लू चलने की संभावना। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला आज। रणबीर कपूर ने बाथरोब में फ्लॉन्ट किए सिक्स पैक्स एब्स, एक्टर के लुक और स्टाइल ने मचाई इंटरनेट पर सनसनी।